वेलकम टू रोशे हयात किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे सूजी के चटपटे पकौड़े। तो प्लीज़ इसका सामान आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ 200 ग्राम्स मैंने सूजी ली है, सेमोलिना, 4 टेबल स्पून कर्ड है, दही, 1 मीडियम साइज़ की ऑनियंस ली है मैंने, इसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर है, 1 ग्रीन चिली ली है मैंने, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, प्लीज़ इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, 1/2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टी स्पून चिली फ्लेक्स लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, एंड 1/2 टी स्पून यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है मैंने, और ये ऑयल लिया है पकौड़ों को फ्राई करने के लिए, और थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ये मिक्सिंग बोल लेंगे, इसमें हम ये सूजी डालेंगे, दही ऐड करेंगे, इसमें बेकिंग सोडा, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स एंड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, उसमें इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इसका सेमी थिक बैटर बनाना है, में थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे फिर मिक्स करेंगे। देखिए हमारा अच्छे से हमने इसे फेंट लिया है, हमें इसका बिल्कुल सेमी थिक बैटर चाहिए, बिल्कुल ऐसा। हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी हमारे अच्छे से फूल जाए, और उसके बाद हम इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। देखिए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, बैटर हमारा अच्छे से भूल गया है। देखिए अब हम इसमें बाकी का अपना सामान ऐड करेंगे, प्याज, चिली एंड कोरिएंडर, इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है पकौड़े तले सेकने के लिए। अब हम ऑयल गरम करने रखेंगे। देखिए यहाँ पे ऑयल गरम करने मैंने रख दिया है, ऑयल गरम हो जाए फिर हम इसमें पकौड़े फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें पकौड़े फ्राई करेंगे। बी केयरफुल, तो संभाल के डालिए। इसको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करना है, जैसे अंदर तक से फ्राई हो जाए। ये देखिए एक तरफ से सिक चुके हैं, अब हम इसको पलट देंगे। ऐसे हम सारे पकौड़ों को पलट के दूसरी तरफ से सेकेंगे। ये देखिए पकौड़े हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के पकौड़े भी फ्राई करेंगे। ये देखिए सारे पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं, अब हम इन्हें सर्व करते हैं। देखिए पकौड़े हमारे बिल्कुल रेडी हैं, इसको सर्व कर दिया है मैंने। आप इसको सॉस के साथ, टमाटो सॉस के साथ या खट्टी चटनी की हरी के साथ, किसी के साथ भी सर्व करिए, और इसको आप गरम गरम खाइए और खिलाइए, ये बहुत टेस्टी होते हैं। आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।